Let's start off with that fantastic innings by Surya Kumar Yadav. Misbah, he was just unbelievable today. Amazing inning. Normally, you see T20 cricket, mein, bahut innings aapko dekhne ko milti hain, jo hume pehle do ek matches mein mili hain, New Zealand ki taraf se, aur phir South Africa ki taraf se, but this was totally different. Jo conditions thi, jo situation thi, aur jis kisam ki bowling ho rahi thi. Look at the shots. I mean, haven't seen an inning like that. Bade arse ke baad aisi dominating inning is situation mein khelna. Aur is pitch pe miss pa. Is pitch pe. The way they were bowling, I mean, aise lag raha tha, jit pehla match bhi humne dekha, aise lag raha tha jaise batsman apne aap ko bacha rahe hain, but wo jis tarike se dominate unhone kiya. Aur sabse important cheez ye hai ki ऐसे लग रहा था जैसे उसको पहले से पता होता था कि ये बॉल होने लगी और मैं कहाँ मारने जा रहा हूँ इसको. सो आई थिंक बड़े अरसे के बाद मुझे लगता है कि ही इज़ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन एट द मोमेंट इन T20 क्रिकेट. 170 के स्ट्राइक रेट पे इस सिचुएशन में ऐसी बॉलिंग के गेंस इस पिच पे रन करना मुझे लगता है कि उसकी जो सक्सेस इसलिए है और कंसिस्टेंट बेसिस पे है क्योंकि वो अपनी गेम नहीं चेंज करता. स्पेशली आउट भी अगर वो हो जाए एक दो इनिंग्स में तो वो इस वे ऑफ प्लेइंग इज द सेम. एक चीज़ वो ज़रूर करता है, कंडीशंस को असेस करता है और जो लगता है कि इस पिच पे ये वाले शॉट्स लगेंगे वो उसको बहुत अच्छे से याद है, उसको अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से याद है और वो बॉलर के माइंड के साथ खेलता है. वो बॉलर को देखता है कि अगर मुझे इसने फुल किया तो अगला बॉल ये शॉट करेगा, मुझे अगला बॉल ये आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा या मेरी तरफ करेगा. इसीलिए जो वो शॉट्स खेलता है उसके लिए थोड़ा सा बैट्समैन के दिमाग में होना चाहिए. यहाँ पे मैं ए बी डिविलियर्स की एग्जांपल दूंगा, वो भी इसी तरह ही बॉलर के दिमाग के साथ खेलता था कि अब अगर इसने मुझे यॉर्कर किया अब ये मुझे स्लो बाउंसर करेगा, अब ये मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा. ये हर बैट्समैन नहीं सोचता होगा दिस लेवल, इंटरनेशनल लेवल. देखें वसीम भाई, मुझे ये लगता है कि एक तो आपको क्लैरिटी मिलती है मैनेजमेंट से, आपको जो रोल मिलता है, एक ये होता है कि आपने अपना इंडिविजुअल प्लान बनाना होता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लान होता है आपके खुद की सक्सेस के लिए या कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए या टीम के अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए. तो उसके लिए आप अपना प्लान करते हैं और वो उसकी गेम में हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आती है. उसने ये देखें आउट भी हो रहे थे दूसरी साइड से, कभी कभी स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं उसको मिली, उसने देखें कि अपना गेम खेला और उसने ऐसे टारगेट पे ले गया था कि जहाँ पे जिस कंडीशन में खेल रहे थे वहाँ पे टफ जो है वो हो सकता था ऑपोजिशन के लिए और वही हमने देखा. मुझे लगता है कि एक चीज़ और, स्किल लेवल डिफरेंट है. मतलब इतना स्किल आपके पास हो कि आप विदाउट टेकिंग एनी टाइम राइट फ्रॉम द स्टार्ट, सर्कल में तो फिर भी चले आप इस तरह इम्प्रोवाइज करते हैं या आप इस तरीके से शॉटें खेल सकते हैं, लेकिन सर्कल के बाद आके इतने आराम से गैप्स ढूंढना और परफेक्टली उनको शॉटों को वहाँ पे टाइम करना, आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैवंट सीन. बहुत टाइम से खेल रहा है इसलिए उसकी इतनी कंसिस्टेंसी, इसीलिए वो जल्दी असेस कर लेता है. वो काफ़ी सारी फर्स्ट क्लास खेला है, वो काफ़ी सारा आईपीएल खेला है, हमारे काफ़ी सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है. मैं आईपीएल में था, मैं बात कर रहा हूँ 2012 या 2013 ऑनवर्ड्स, ही वाज विद केकेआर फॉर 2-3 इयर्स, ही प्लेड ऑन एंड ऑफ, ग्लिम्स दिखाए इसने तब भी नंबर 7 पे आके, जब वो किसने छिक्का एक दो कराया ऐसे करके, ऐसे नहीं मिडिल से जो मारता वो कराया, तो तब लगा सब लोगों के दे ये दिस गाय इज समथिंग.